हेलो एवरीवन, कल की क्लास में हमने फंगी कवर किया था, सो आज हम म्यूकर जिसको मोल्ड भी बोलते हैं एंड हीज कवर करेंगे। मोल्ड या म्यूकर कह लीजिए और हीज जो है वो फंगी के अंडर में ही आते हैं। सो लेट स्टार्ट। सो म्यूकर, इनको कॉमनली नोन एज पेन मोल्ड, इन्हें पेन मोल्ड के नाम से जानते हैं कॉमनली। ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। नेचर में सेप्रोफाइटिक का मतलब कि जो डेड डिकिंग सब्सटेंस पर ग्रो करे, वहाँ से अपना न्यूट्रिशन, अपना खाना ले, अपना फूड ले, उन्हें कहते हैं सेप्रोफाइटिक। सो ये कहाँ पर ग्रो करते हैं? मॉइस्ट ब्रेड पे ग्रो करते हैं, रॉटन फ्रूट, सड़े हुए फ्रूट पे, डिकिंग वेजिटेबल, सब्जी के छिलके, जितने भी ख़राब वेजिटेबल्स होती हैं उन पर, शेड फ्लावर्स, टूटे हुए फूलों पर, एनिमल के डंग पर, लेदर गुड्स यानी कि गीले कपड़ों पर, वेट शूज़ पे ग्रो करते हैं, अदर ऑर्गेनिक मीडिया, इन ऑर्गेनिक मीडिया पे ग्रो करते हैं। ये सारे के सारे लाइक मॉइस्ट ब्रेड, रोटन फ्रूट, डिकिंग वेजिटेबल्स, शेड फ्लावर्स, ये सब जो है वो ऑर्गेनिक है नेचर में, साथ में नॉन लिविंग है, इसीलिए नॉन लिविंग पर ग्रो करते हैं यानी कि सेप्रोफाइटिक है। ना मॉर्फोलॉजी ऑफ मोल्ड, कि मोल्ड जो है या म्यूकर जो है या पिन मोल्ड जो है वो दिखता कैसे है। ये एक वाइट कॉटन लाइक थ्रेड फॉर्म करता है, लाइक ब्रेड के ऊपर हमने देखा है। एग्जाम्पल जो है मोल्ड का, कॉमन एग्जाम्पल वो माइसीलियम है। सो माइसीलियम का ही स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लाइक ये हमारा एक मोल्ड हुआ और इसके ऊपर बहुत सारे वाइट कॉटन लाइक थ्रेड्स होते हैं जिन्हें हम हाइफे बोलते हैं। ये हाइफे जो होते हैं सिलेंड्रिकल होते हैं शेप के, सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और न्यूमरस नंबर बहुत सारे होते हैं, एक दो नहीं बहुत सारे निकले हुए होते हैं, इसीलिए ये हमें कॉटन लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ब्रेड पर भी ग्रो होते हैं तो ये ऐसे दिखते हैं। नाउ इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, बट समटाइम्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, बट यूजुअली हम कहें तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही अपना रिप्रोडक्शन, अपनी प्रोजेनी को बढ़ाते हैं। अब ये हुआ ख़त्म मोल्ड हमारा। अब आते हैं हम हीस्ट पर। हीस्ट भी फंगस ही के अंदर आता है। हीस्ट जो है वो एक सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक फंगी है, सिंपलेस्ट यूनिसेलुलर एंड यूकैरियोटिक। नाउ इसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल और इलेप्टिकल शेप होती है, यानी कि अंडाकार शेप होती है, या इलेप्टिकल यानी कि ग्रहों की तरह शेप होती है। नाउ इट्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, इसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही ये अपनी प्रोजेनी को बढ़ाते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे मेथड्स आते हैं, लाइक बाइनरी फिजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, ये सारे एसेक्सुअल मेथड्स है। पर जो हमारा हीस्ट होता है वो अपना रिप्रोडक्शन बर्डिंग मेथड से करता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर बर्डिंग मेथड से करता है। नाउ बर्डिंग की एक मैं फोटोग्राफ जो है वो पिक जो है वो मैं लास्ट में वीडियो के लगा दूंगी, सो टिल लास्ट आप देखिए। नाउ हीस्ट जो है वो हीस्ट के अंदर फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो एबसेंट होते हैं। यही एक डिफरेंस है हमारा हीस्ट और मोल्ड के बीच में, कि जो हीस्ट होते हैं उनमें फिलामेंट्स और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो हमने ऊपर में पढ़ा था, कॉटन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं वो होते हैं मोल्ड के अंदर, बट हीस्ट के अंदर जो फिलामेंट्स होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो एबसेंट होते हैं। नाउ डाइमॉर्फिक फंगी क्या होती है? व्हाट इज डाइमॉर्फिक फंगी? सो डाइमॉर्फिक फंगी आर दोज फंगी विच एग्जिस्ट बोथ इन द फॉर्म ऑफ मोल्ड और हीस्ट इन नेचर, यानी कि ये मोल्ड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है और हीस्ट की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, बट अपने फेवरेबल कंडीशन के अनुसार। यानी कि मोल्ड और हीस्ट के अंदर फ़र्क क्या बताया अभी, कि मोल्ड के अंदर फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, हीस्ट में नहीं होते प्रेजेंट। डाइमॉर्फिक फंगी, द फंगी डैट ग्रो आइदर एज फिलामेंट और एज हीस्ट अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ ग्रोथ आर कॉल्ड एज डाइमॉर्फिक फंगी, या हम ऐसे लिख सकते हैं ईजी भाषा में कि डाइमॉर्फिक फंगी आर फंगी दैट कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ बोथ मोल्ड एंड हीस्ट, दोनों की फॉर्म में ये प्रेजेंट हो सकते हैं। अब देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। एग्जाम्पल पहले देख लीजिए, ब्लास्टोमाइकोसिस एंड कॉकी डायोआइडोमाइकोसिस, कॉकी डायोआइडोमाइकोसिस इसके एग्जाम्पल है दो, ब्लास्टोमाइकोसिस एंड कॉकी डायोआइडोमाइकोसिस। नाउ अब देखते हैं इसका मतलब क्या हुआ। जैसे कि हमने पढ़ा अपनी कंडीशन के अनुसार, अपनी कंडीशन में वो
अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज करते रहते हैं, या तो मोल में चेंज हो जाएगा या ईस्ट में चेंज हो जाएंगे। जैसे अब एग्जांपल, ब्लास्टोमाइकोसिस जो है 25 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये अपना मोल की तरह मोल की फॉर्म में होगा, यानी कि इसके भी अंदर फिलामेंट्स प्रेजेंट होंगे। ये देखिए, ये रहे फिलामेंट्स, ये ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, वो फिलामेंट्स होते हैं। ये यहाँ पर तो इतने बड़े मोटे से दिख रहे हैं, पर जैसे हमें जो हीस्ट होते हैं, जो फंगीज होते हैं, वो हमें अपनी नेल आइस से तक नहीं दिख पाते। अगर हमारा ग्रुप होगा तब हमें दिखेंगे। ये देखिए, 25 डिग्री सेल्सियस पर ब्लास्टोमाइकोसिस जो है वो फिलामेंट स्टेट में होंगे, यानी कि मोल्ड में होंगे, और 37 डिग्री सेल्सियस अगर आएगा टेम्परेचर, तो वो हीस्ट में चेंज हो जाएंगे। हीस्ट में अभी बताया था कि क्या नहीं होता, फिलामेंट्स नहीं होते, तो यहाँ पर कोई फिलामेंट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपको नहीं दिख रहा होगा। ना कॉकिडियोडोमाइकोसिस के अंदर भी सेम है कि 25 डिग्री सेल्सियस पर तो ये फिलामेंट स्टेट में होंगे, यानी कि मोल्ड स्टेट में होंगे, और जैसे 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा एनवायरनमेंट का, वो चेंज हो जाएगा हीस्ट फॉर्म में, अपने स्टेबल फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, अपने फिलामेंट्स को हटा लेंगे। ना फंगी, फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन टू टाइप्स के होते हैं, या तो सीरियस भी हो सकते हैं या माइल्ड और कॉमन भी हो सकते हैं। सो माइल्ड और कॉमन के अंदर एग्जांपल है जैसे कि रिंग वॉर्म, ईयर एंड लंग इन्फेक्शन, ये सब क्या हुआ है, माइल्ड फंगल इन्फेक्शन। बट ये अगर इंसान को हो जाते हैं ना, तो ये भी बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम देते हैं। मतलब रिंग वॉर्म अगर इंसान को हो जाता है तो बहुत ज़्यादा खुजलियाँ होती है, परेशान कर देते हैं एकदम। पर ये हम कह सकते हैं कि सीरियस और फेटल की कंपैरिजन में बात करें तो जो माइल्ड और कॉमन फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो थोड़े से लाइट होते हैं। नाउ फंगी जो है फूड को स्पॉइल कर देता है, खाना को बर्बाद कर देता है। अगर हम फंगी से लगी हुई खाने को खाएंगे, फंगी इन्फेक्टेड खाना खाएंगे, तो हमें फूड पॉइजनिंग होने की संभावना होती है। जैसे कि अब एग्जांपल बात करें, अगर हम ब्लैक ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है ना, काली काली सी, ग्रीन ग्रीन सी, उसके बाद फिर माइट वाइट कलर का थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखने लगता है, अगर हम उसे खा लेंगे तो हमें कैंसर होने की संभावना भी होती है। देख के खाना चाहिए, एकदम अच्छे से अच्छा फूड खाना चाहिए, धो के फूड खाना चाहिए, इसीलिए बोलते हैं कि ताकि हम फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, हर तरह के इन्फेक्शन, वायरस इन्फेक्शन से बचे रहें। जो ब्लैक ब्रेड मोल्ड होती है, जो ब्रेड के ऊपर फंगस लग जाती है, वो राइजोपस टोलोनिफर फंगस का नाम है, यही फंगस ब्रेड के ऊपर लगती है। ना एग्जाम्पल ऑफ पैथोजेनिक फंगी, अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पैथोजेनिक फंगी का मतलब होता है जो बीमारी कॉज करे, जो डिजीज़ को फैलाए, कॉम्युनिकेबल डिजीज़ होती है बहुत सारी, वो भी पैथोजेनिक फंगी या पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही फैलती है। एक होती है नॉन पैथोजेनिक, जो कि डिजीज़ कॉज नहीं करती, बट पैथोजेनिक जो होती है वो डिजीज़ कॉज करती है। सो अभी हम पैथोजेनिक फंगी की बात करें, जो डिजीज़ कॉजिंग फंगी है। फर्स्ट वन इज कैंडिडा एल्बिकन्स। कैंडिडा एल्बिकन्स के कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, अगर एक्स्ट्रा नॉलेज रहती तो हमें अच्छे से याद रहता है, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं और सिर्फ नाम याद कर सकते हैं, जैसे कि कैंडिडा एल्बिकन्स। सो कैंडिडा एल्बिकन्स का सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि कैसा है ये जो फंगी है वो कैसी दिखती है। सबसे पहले ऐसी इसका जो स्ट्रक्चर है ये है, इसके अंदर सूडो हाइफे प्रेजेंट होते हैं, ये गोल गोल से स्ट्रक्चर बीच में होते हैं जिनको क्लाइमाइडोस्पोर्स बोलते हैं। ना एक छोटे छोटे गुच्छे लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको ब्लास्टोस्पोर्स कहते हैं। ये तीन जो है इसके लेबर डायग्राम के साथ कैंडिडा एल्बिकन का स्ट्रक्चर है। ना कैंडिडा एल्बिकन जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ पाया जाता है, सो माउथ के अंदर, हमारे माउथ के अंदर, गट GIT के अंदर, और वजाइना के अंदर सबसे ज़्यादा कैंडिडा एल्बिकन्स हमें पाए जाते हैं। अगर माउथ के अंदर कैंडिडा एल्बिकन्स हो गए तो अल्सर हो सकते हैं, अल्सर के कारण ब्लीडिंग हो सकती है, खाने का स्वाद बिगड़ सकता है हमारा, ये सारी कुछ प्रॉब्लम्स होती है। अगर गट में प्रेजेंट है, अगर GIT में प्रेजेंट है, तो ब्लॉटिंग हो सकती है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर वजाइना के अंदर प्रेजेंट है तो बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिनेशन, जब यूरिनेशन के टाइम पर बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, अंदर जलन मच सकती है, इरिटेशन, इचीनेस हो सकती है, पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स भी इंक्लूड है। नाउ सेकेंड वन इज डर्मेटोफाइट। नाउ सेकेंड पैथोजेनिक
फंगी इज डर्मेटोफाइट। डर्मा से मतलब होता है स्किन से, स्किन रिलेटेड बीमारी, स्किन पर इन्फेक्शन कॉज कर रही है। डर्माफाइट जो होते हैं रिक्वायर केराटिन फॉर ग्रोथ, उन्हें केराटिन की आवश्यकता होती है ग्रोथ के लिए, अपनी प्रोजेनी अपना प्रोपोगेशन करने के लिए, अपनी हमारी स्किन पर क्या करते हैं अच्छी तरीके फैल जाते हैं क्योंकि वहाँ पर केराटिन प्रेजेंट होता है और उन्हें तो केराटिन चाहिए अपनी न्यूट्रिशन और अपनी नरिशमेंट के लिए। इसीलिए डर्माफाइट जो होते हैं स्किन पर, स्काल्प पर, हेयर के जो स्काल्प होते हैं, नेल्स के ऊपर हमारी बीमारी कॉज कर सकती है। ये डर्मेटोफाइट जो होता है वो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से फैलती है बीमारी, ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से भी फैल सकती है। नाउ थर्ड वन इज़ क्लेडोस्पोरियम, या फोर्थ वन इज़ हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, फिफ्थ वन इज़ ब्लास्टोमाइज डर्मेटाइटिस। ये सारे जो पांच मैंने अभी बताए हैं वो है पैथोजेनिक फंगी के एग्जांपल्स, जिसे आप याद कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि इसके बाद मैं पिक्चर्स भी ऐड कर दूंगी, क्योंकि बीच में पिक्चर्स ऐड करना मुझे आता नहीं है, सो यू वो भी सीख लेंगे धीरे धीरे। एंड ऑल्सो मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, अगर ये एक्स्ट्रा है, अगर किसी को भी रिंग वॉर्म है या आपके रिलेटिव में रिंग वॉर्म है और वो परेशान हो चुके हैं क्रीम्स लगा लगा कर, तो एक साबुन आता है, एक सोप है K2Zol करके उसका नाम है, सो आप उस वो उसको आप यूज़ कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है फॉर फंगल इन्फेक्शन। उससे जो रिंग वॉर्म यानी कि दाद हो जाना, उसको लेमन लैंग्वेज में हम दाद बोलते हैं, तो वो उससे हट जाता है।